बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी का नाम भी उनमें शामिल रहा है। रानी ने लगभग हर बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन शादी के बाद उन्होंने करियर पर ब्रेक लगा लिया था और लंबे समय बाद उन्होंने मायानगरी में वापसी की। रानी मुखर्जी की बैकग्राउंड की बात करें तो वह भी एक ऐसे घर से ताल्लुक रखती हैं जो सितारों से भरा पड़ा था। हालांकि वह खुद एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी क्योंकि घर में पहले ही इतने स्टार्स थे कि वह कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। वैसे रानी प्रोफेशनल लाइफ की तरह अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी सुर्खियों में रही। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी जया और रानी की लड़ाई ने। हालांकि अब तो सब कुछ सही हो चुका है, लेकिन उस समय रानी को अपनी बहू का बनाने का सपना देखने वाली जया ने इस रिश्ते को तोड़ दिया था। करिश्मा कपूर से सगाई टूटने के बाद रानी मुखर्जी बच्चन परिवार की बहू बनेगी, ये तो तकरीबन तय हो चुका था। जया रानी को इसलिए भी अपनी बहू बनाना चाहती थी क्योंकि वह भी जया की तरह बंगाली परिवार से थी, लेकिन फिर जया ने खुद ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया। हालांकि अभिषेक और रानी एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, लेकिन माँ की बात मानते हुए अभिषेक ने इस रिश्ते से अपने पैर पीछे खींच लिए। किसके चलते ये रिश्ता टूट गया था, इसकी वजह जया बच्चन ही मानी जाती है, जो रानी के एक किसिंग सीन से नाराज थी। दरअसल रानी और अमिताभ बच्चन ने ब्लैक फिल्म में साथ काम किया था और इस फिल्म के आखिर में रानी मुखर्जी को अमिताभ बच्चन को किस करना था, लेकिन इस सीन पर जया बच्चन को इतराज था। उन्हें चाहती थी कि उनकी होने वाली बहू अपने ससुर को किस करे, लेकिन रानी मुखर्जी इस सीन के लिए तैयार थी। बस इस सीन से जया इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने रिश्ता तो तोड़ा, साथ ही अपने बेटे की शादी तक में उन्हें इन्वाइट नहीं किया। कहा जाता है कि इस पर नाराजगी जताते हुए रानी ने कहा था कि वो अभिषेक बच्चन को अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन वो सिर्फ एक को स्टार ही निकले। बॉलीवुड में रानी मुखर्जी के कई रिश्तेदार हैं, जैसे कि काजोल उनकी कजन सिस्टर है। वह बॉलीवुड के समर्थ मुखर्जी परिवार से ताल्लुक रखती है। रानी के पिता राम मुखर्जी फिल्म डायरेक्टर थे और माँ कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर थी। उनके बड़े भाई राजा मुखर्जी एक फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। उनकी मौसी देवेश्री रॉय एक बंगाली फिल्म अभिनेत्री हैं। पूरा परिवार ही इंडस्ट्री में था तो रानी भी इसी में आ गई। हालांकि पहले वो कुछ अलग करना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि घर में बहुत सी अभिनेत्रियां पहले से ही हैं। रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड अयान मुखर्जी भी उनके कजन भाई लगते हैं। रानी ने एक इवेंट में गेस्ट के तौर पर पहुंची अपनी लाइफ का एक और किस्सा शेयर किया था कि बचपन में उनके बड़े भाई ही उनके दुश्मन बन गए थे। दरअसल एक शो में बतौर गेस्ट पहुंची रानी ने अपने बचपन का एक वाक्य शेयर किया था कि जब वह पैदा हुई थी तो उनके भाई काफ़ी असुरक्षित महसूस करने लगे थे क्योंकि वो माँ को बहुत प्यार करते थे और माँ छोटी बहन रानी के साथ ज़्यादा समय बिताती थी। ये बात उनके भाई को अच्छी नहीं लगती थी, बस इसी वजह से वह रानी के दुश्मन बन बैठे थे। उन्हें वह अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा बचपन में ही था। अब तो वह बहन के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। अभिषेक के साथ रिश्ता टूटने के बाद रानी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। उन्होंने यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के साथ शादी की। दोनों की एक प्यारी बेटी है। रानी अब फिल्मों में भी नजर आ रही है। वैसे आपको रानी मुखर्जी की एक्टिंग कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।